Assalamualaikum, मैं हूं मोहम्मद जुनेद तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर पचास हजार से दस लाख रुपए तक का कर्ज लेकर आया हूं. अगर आप मंथली सिर्फ सत्रह हजार रुपए कमाते हो और आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप ये कर्ज ले सकते हो वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में आप कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ पंजाब आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा है बैंक ऑफ पंजाब बी ओ पी जिसकी हम पर्सनल लोन की बात करेंगे ठीक है जिसमें आपको बैंक ऑफ पंजाब बगैर बहुत ही किसी जमानत बगैर किसी फी वगैरह से आपको पचास हजार से दस लाख रुपए तक का कर्ज देता है ठीक है अभी हम सबसे पहले इसके की फीचर्स वगैरह चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके की फीचर्स हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सबसे पहले देखें तो साइलेंट फीचर जो हैं, आपको ये जो कर्ज मिलेगा वो एक से पांच सालों के लिए मिलेगा आप एक साल में वापस कर सकते हो दो में तीन में या पांच के अंदर ठीक हो गया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ़िक्स्ड मार्क है इनका ठीक है आपको फ़िक्स्ड मार्क आप देना पड़ेगा उसके बाद देखें इजी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी मंथली किस्त बनवानी पड़ेगी ठीक हो गया फाइनेंसिंग जो लिमिट है आप पचास हजार से दस लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हो मैंने आपको पहले बताया उसके बाद रो नो रीपेमेंट कि आपको नो री पेमेंट नो रीपेमेंट करवाते वक्त आपको कोई प्लेंटी वगैरह नहीं पड़ेगी ठीक हो गया उसके बाद अवेल लोन विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम कागजात मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप ये कर्ज ले सकते हो उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दी जाएगी बहुत ही अच्छी चीज है उसके बाद बेसिक जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो क्या क्या है डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने ध्यान से देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंट जो है ना सी एन आई सी उसकी कॉपी चाहिए उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो वो आप लाके इन्हें दोगे ठीक है लेटेस्ट सैलरी स्लिप उसी मंथ की अगर आपने लेना है कर्ज तो ठीक है अगर आप बिजनेसमैन मैन है तो आपको वो भी आपके बिजनेस के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए साथ ठीक हो गया उसके बाद आप यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक करें तो आपकी उम्र जो है वो 19 साल से उनसठ साल उम्र होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे देखें आपकी मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी है ना आप 17,500 रुपए कमाते हो तो आप ये लोन ले सकते हो अपनी मर्जी का ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट देख सकते हो आपकी चार इंस्टॉलमेंट पैकेजेस हैं ठीक है, है? लोन अमाउंट आप अपनी मर्जी का ले सकते हो ये जरूरी नहीं है यहाँ से एक लाख से दो लाख तक का है ठीक है पहले ईयर में आपको ये पे करना पड़ेगा दूसरे ईयर में इतनी किस्त पे करनी करनी पड़ेगी उसके बाद तीसरे ईयर में आपको इतनी एक साथ पे करनी पड़ेगी ठीक है ये आप अपनी मर्जी की बनवा भी सकते हो और ले भी सकते हो ठीक हो गया अब यहाँ पे नीचे देखें तो कुछ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं लोगों की तरफ से आप यहां से चेक भी कर सकते हो अपनी मर्जी का यहां पे आप देखें तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एलिजिबल तो कौन एलिजिबल है इस लोन के लिए ये देख सकते हैं गवर्नमेंट का भी बंदा एलिजिबल है सेमी गवर्नमेंट का भी फेडरल का भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का भी कोई भी बंदा ये क्या कर सकता है लोन ले सकता है ठीक है मंथली सैलरी जो है ऊपर बता दी गई है यहाँ पे ये वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं ये सत्रह हजार पांच रुपए आपकी होनी चाहिए चाहे आपका अपना कारोबार है या बिजनेस है या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ठीक हो गया उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है ठीक है आपके पास कुछ भी ना एक्सपीरियंस हो तो आप ये लोन ले सकते हैं कितना ले सकते हो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है आप खुद भी पढ़ सकते हैं मैंने भी कुछ बता दी जो इंपॉर्टेंट थे ठीक है आप ये पचास हजार से एक लाख रु, लाख रुपए तक मैक्सिमम आप ये लोन ले सकते हो ठीक हो गया उसके बाद यहाँ पे और कोई क्वेश्चन देख सकते हैं वाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए सी सी होना चाहिए लेटर सैलरी स्लिप होनी चाहिए कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट होना चाहिए अगर ये आपके पास है तो ठीक है ये थे ठीक है क्वेश्चन जो आप पूछते हैं यहां पे देखें अगर आपको कोई फीस वगैरह चार्जी जो एक्सपेंस देने पड़ेंगे वो पच्चीस सौ हैं अगर आपका लोन अप्रूव होता है तब तो आपको ये देने पड़ेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको सर सारे पैसे ले लें और आपको फिर लोन ना दें ठीक है उसके बाद देख सकते हैं मार्कअप भी ऊपर मैंने बताया मार्कअप जो है वो फ़िक्स है इनका मार्कअप ठीक हो गया जितना भी आप सालों का किस्तें बनवाएंगे तो आपके पास ये मार्कअप क्या होगा फ़िक्स होगा उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनके आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे क्या-क्या वहां पे आपको चीजें लगानी पड़ेगी यहां पे मैं आ चुका हूं आपके पास सामने देखें तो बैंक ऑफ पंजाब का जो पर्सनल लोन का है ना स्कीम का ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक है आप यहां पे पहले नंबर पर पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी के देंगे अपने متعلق सारी चीजें यहां पे बताएंगे अपना नाम बताएंगे अपना मिडिल नेम लास्ट नेम बताएंगे ठीक हो गया उसके बाद आपने यहाँ पे देखें आपने फादर का नाम बताना है उसके बाद मदर या मेडन नेम या हम बताएंगे उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं नेशनलिटी आपने बतानी है पाकिस्तानी हो कहाँ के रहने वाले हो यानी कि यहाँ पे जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है ना वो आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है ठीक हो गया उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पर आप चेक करें आप ऑक्यूपेशन जो है सैलरीड पर्सन है या आप प्रोफेशनल हैं या बिज़नेस हैं आपने टिक लगानी है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट

कितना आपको किन्योर चाहिए कितने सालों के लिए चाहिए और उसके बाद आपने सिक्योरिटी कितनी ऑफर्ड की है ठीक हो गया ये आपने सारा कुछ फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या कर देना यहाँ पे फिर सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे उसके बाद आप नीचे देखें तो यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर बी लोन स्कीम ठीक है यहाँ पे लोन डिटेल्स आपने सारी बतानी है जो कुछ आपने लेना है उसके बाद यहाँ पे आप नीचे क्या करेंगे गारंटर की डिटेल देंगे गारंटर डिटेल अगर आपके पास मौजूद है

वहीं से आप क्या करें एप्लीकेशन फॉर्म लें और उसको उनसे पूछें क्या क्या चीजें लगाएं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी ब्रांचेज मौजूद है ये बात आपने याद रखनी है पूरे पाकिस्तान में बीओ पी की ब्रांचेज मौजूद हैं ठीक है आप किसी भी ब्रांच में चले जाए और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मजीद और अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस के को कर लें। और बेलाइकन को लाभ प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग आपको कैसी मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतरा करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज